Okay, I'm working on a project with Karan Razdan, sir. As we all know, Karan Razdan is like a famous writer. He's done Barsaat, from Dilwale to Dil Jale, all like cult movies. We have all his famous dialogues from Reesho Reesh Dil Jale. So we have all of that from Karan, sir. And my first meeting was him. Like, we were so sure about it that the Samir character he wanted was for me. And I was also very sure about it. So the whole project, if you wanna ask, it's about childhood friendship. It's about love, it's about politics, and it's about religion. It's about two friends जो बचपन से साथ रहे हैं. एक समीर है जो मैं हूँ, और एक भरत है जो मेरा भाई अभी आने वाला है. सो इट्स लाइक उनकी फ्रेंडशिप है, बचपन से कैसे साथ रहे हैं, कैसे एक दूसरे के घर आते जाते रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट देयर फ्रेंडशिप फ्रॉम चाइल्डहुड एंड हाउ देयर आइडियोलॉजीज चेंज वेन दे गो टू द यूनिवर्सिटी. आई हैव अ गर्लफ्रेंड, सपना, आई गेस यू विल सी हर वेरी सून. सो इट्स अबाउट लाइक बेसिकली इट्स लव, अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स बिकॉज ऑन अ यूनिवर्सिटी. सो ऑन यूनिवर्सिटी आई एम लाइक वन ऑफ द लीडर्स एंड स्टाफ. सो यू विल सी अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन इन द होल मूवी. अंकित, क्या ब्रीफ था? जब मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, खास करके छात्र स्टूडेंट्स टीवी और फिल्म का भी, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की जब मैं बात करता हूँ, हाँ, बहुत सी फिल्मों में हमने देखी, वी हैव सीन आरक्षण, वी हैव सीन सैफ अली खान, वी हैव सीन यू नो वी हैव सीन तांडव रिसेंटली, वी हैव यस सीन तांडव, तांडव द वेरी रिसेंट वन. या. सो व्हाट वाज द ब्रीफ ऑफ करण इन शॉर्ट, की दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ही इज आइंग एट. बेसिकली ही इज आइंग एट टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज जो हर यूनिवर्सिटी में होती है. हर यूनिवर्सिटी में देर आर टू टू डिफरेंट पार्टीज, और उन दोनों के दो डिफरेंट आइडियाज. सो द होल यूनिवर्सिटी एंड द पॉलिटिक्स विच यू आर टॉकिंग अबाउट, यू विल सी दो लोग जिनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज है और जो बहुत स्ट्रांग है अपनी आइडियोलॉजीज में, दोनों भी एक दूसरे के सामने झुकेंगे नहीं कहीं भी. सो इट्स लाइक अबाउट टू पावरफुल पीपल बीट कंपैटिंग अगेंस्ट ईच अदर. दैट इज लाइक द पॉलिटिक्स, इफ आई टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स एग्जैक्टली. ओके, बाकी बाकी जो फिल्में, जैसे आपने तांडव का जिक्र किया, जैसे आरक्षण का जिक्र किया, और हमने बहुत सी राजनीति पे फिल्म देखी है, छात्र राजनीति पे फिल्में हमने बहुत देखी, एक वक्त में हमने हासिल भी देखी थी ना, राइट राइट हासिल, या इरफान खान, इरफान खान द लेजेंड, या. तो बाकी फिल्मों से ये कैसे मुख्तलिफ या अलग होगी? या ये बहुत अलग होगी, बहुत सारी चीज़ें जो मैं रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज वी विल बी गोइंग ऑन फ्लोर वेरी सून. हम 9th से शूटिंग शुरू कर देंगे, सो आई एम श्योर विद टाइम यू विल गेट टू नो, ग्रेजुअली आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी. सो इट विल बी डेफिनेटली इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी सीन, बिकॉज सर की राइटिंग बहुत ही डिफरेंट है. इट्स नॉट लाइक द रेगुलर राइटिंग विच वी सी हियर एंड देयर. सो यू विल सी अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर एट अ वेरी लार्जर स्केल. तो वहाँ लव इंटरेस्ट जो आपका प्ले करने जी जो भी एक्ट्रेस प्ले करेंगी, उसका स्कोप होता है, इस कहानी की डिमांड होती है, या ऑफकोर्स शी इज लाइक द सपोर्ट ऑल थ्रू, लाइक हैविंग अ हिंदू गर्लफ्रेंड फॉर अ मुस्लिम गाय इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट, जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा एक टैबू है. सो यू सी अ लॉट ऑफ हर, यानी शी इज एज इम्पॉर्टेंट एज बोथ ऑफ अस, समीर एंड भरत. तो उनका बहुत स्कोप है इन द होल स्टोरी, यू विल सी अ लॉट ऑफ हर. अपार्ट फ्रॉम दिस, यू नो जैसे आपने बताया, क्या लव जिहाद के एंगल को भी दिखाने की कोशिश है? यूनिवर्सिटी कॉलेज में कैसे साथ रहते हैं. सो एंड लव जिहाद एंड ऑल इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड टू यूज हियर. सो या इट ऑल्सो रिमाइंड मी ऑफ कायपोचे. कायपोचे, टू फ्रेंड लविंग ईच अदर. कायपो द फ्रेंडशिप, यू कैन से यस कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है दोनों की. सो इट्स मोर लाइक कायपोछे या रंग दे बसंती, जैसे लोग साथ में ही रहते हैं हमेशा, ऑल द टाइम टिल द टाइम दे कम टू यूनिवर्सिटी, एज आई टोल्ड यू. तो इट्स जस्ट अबाउट डिफरेंसेस ऑफ टू पीपल ऑन द आइडियोलॉजीज एंड हाउ स्ट्रांगली दे स्टिक टू इट टिल द एंड. व्हाट इज यू नो मोर डिफिकल्ट टू डू, टीवी और द बिग स्क्रीन? नथिंग इज डिफिकल्ट एज एन एक्टर, या इफ यू जस्ट गेट इन थ्रू द कैरेक्टर वेल. Yes, Karan sir told me that for Samir, he saw 70 auditions, and when he saw me, he was like, this is my Samir. So it's just that if you connect with the character really well, TV, movie, aap agar apna 100% de de, to it's the same. Bas TV mein zyada hard work hai, on the terms of scenes and all. Movie mein you just need to be very particular about everything you do. You can't just get away with any emotion. TV mein you can get away with it. Last question from my end. Karan, jitni bhi filmein banayi hai Karan ne, ab tak, उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन विवाद बड़े उनके इर्द गिर्द रहे हैं, और लव जिहाद मुझे लगता है कोई एंगल इसमें जरूर होगा. तो वो भी
कोई एक जिहाद को आमंत्रित करना जैसा है क्या, यू आर मेंटली प्रिपेयर फॉर इट? या आई एम टोटली, आई एम मेंटली, व्हेन आई वाज, आई मेट सर, आई ऑलरेडी न्यू हिज प्रोफाइल एंड स्टफ, एंड आई नो कि उनका, एंड एवरी पब्लिसिटी इज गुड और एवरी कंट्रोवर्सी इज गुड या फॉर अ मूवी, बट दिस इज अ वेरी प्योर स्टोरी फ्रॉम हार्ट. देयर विल बी सीन्स वेयर पीपल विल जस्ट क्राई, दोनों की दोस्ती देख के, तीनों का प्यार देख के, एंड देयर विल बी लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच पीपल विल जस्ट टेक अवे. मैं सर से भी जब डिस्कस कर रहा था द एंडिंग एंड स्टफ, देयर विल बी थिंग्स जो लोग बहुत दिन तक याद रखेंगे इस मूवी से. सो या आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग. इज द फिल्म टॉकिंग अबाउट द हार्मनी? या ऑफ कोर्स, इट्स एंड ऑफ द डे एवरीथिंग एंड्स एट अ गुड नोट ओनली. या थैंक यू सो मच. थैंक्स, थैंक यू. नमस्कार. और आज मैंने जो गाना रिकॉर्ड किया है वो हमारा ट्रेडिशनल गाना है, ट्रेडिशनल आरती है, लेकिन उसमें फिर वेरिएशंस हैं क्योंकि ये फिल्म के लिए है, सिचुएशन पे है, तो उसमें ट्रेडिशनल तो आ नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसमें काम हुआ है. और हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रविशंकर जी हमारे साथ बैठे हैं, बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इन्होंने पहले भी बहुत काम किया है, और इस आरती को ये एक नया शेप देने वाले हैं सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि सिचुएशन कुछ बाहर कुछ और हो रहा है, मंदिर के अंदर कुछ और हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन है, तो ये उसको बहुत खूबसूरत शेप देने वाले हैं. तो रविशंकर जी का कमाल इसमें देखिएगा. हमारे डायरेक्टर जनाब करण राजदान साहब, इनके काम को तो लोग कितने सालों से देख रहे हैं, इनका डायरेक्शन, इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग, इनकी डायलॉग राइटिंग, सब कुछ तो करते हैं. तो मुझे बहुत खुशी है कि करण राजदान साहब ने मुझे इस फिल्म में गाने के लिए भी बुलाया है और साथ साथ एक रोल भी दिया है, इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें मैं यूँ समझ लीजिए हीरो का पिता हूँ, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मुझे दिया है. ये आरती जो आज रिकॉर्ड हुई है ये मेरे ऊपर ही पिक्चराइज होगी, तो आप लोग सब देखिएगा. इसकी शूटिंग हम 15 फरवरी से ऋषिकेश में शुरू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी जगह शूटिंग हो रही है. बाकी इसकी जो डिटेल है फिल्म की, हम चाहेंगे करण जी बताएं. करण जी, वी नो एवरीवन नोज व्हाट अनूप जलोटा जी, नो दिग्गज हैं, उनको एक्टिंग सत्य साई बाबा कई फिल्में कर रहे हैं, लोग बड़ा स्नेह प्यार भी दे रहे हैं, ये पहलू भी देख रहे हैं. कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वाई अनूप जलोटा जी? सर, आई वॉन्ट यू टू टेक इट ऑन अ पर्सनल. अनूप जलोटा जी को भजन सम्राट कहा जाता है, स्पिरिचुअल सिंगिंग के किंग हैं, और ऊपर से मैं इंसानों के साथ काम करता हूँ, हुनर उनमें होता है ये अलग बात है. तो मुझे ये सबसे पहले तो इंसान के तौर पे बहुत कमाल लगते हैं,
दूसरी बात यह कि मेरा रोल जो था वो एक पंडित और पुजारी का था, तो क्या पंडित और पुजारी आरती गाएगा नहीं, भजन कीर्तन करेगा नहीं? तो इससे बेहतर क्या मिश्रण हो सकता था कि जो ओम जय जगदीश हरे भी गाएं और साथ में अपने बेटे को धर्म का पाठ भी पढ़ाएं। सो दैट इज़ व्हाई मिस्टर अनूप जलोटा इज इन द फिल्म। ये हमारी थोड़ी सी मजबूरी है कि हम फिल्म का टाइटल आज रिवील नहीं कर रहे, हम 15 फरवरी को कर रहे हैं, सीधा उत्तराखंड से लाइव ये होगा, तो मुहूर्त के बाद टाइटल भी बताया जाएगा। और मेरा ख्याल है तब जब आप टाइटल सुनेंगे तब आप समझेंगे कि अनूप जलोटा और वो टाइटल वो बिल्कुल मिले हुए हैं, तो क्योंकि वो टाइटल में अनूप जी छुपे हुए हैं और वो टाइटल अनूप जी में छुपा हुआ है। तो टाइटल के बाद आप लोग सन्नाटे में आ जाएंगे। अनूप जी, क्या ये बहुत चैलेंजिंग रोल होने वाला है? जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है जिस तरह से करण जी ने बताया, और मुझे लगता है कि एक हिंदुत्व की हम जब बात करते हैं कि अपने बच्चों को उस तरह की तालीम दी जाती है कि अपने धर्म के ऊपर बहुत अडिग रहो, तो क्या ग्रे शेड दिखने वाला है, क्या नेगेटिव किरदार निभाने वाले हैं? इसमें कहीं नेगेटिविटी है ही नहीं, ये फिल्म है। जैसे भारत माता है ना, माता क्यों कहा जाता है भारत को? जितने देश हैं दूसरे उन सबको पिता कहा जाता है, यहाँ तो माता कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ जो है वो अपने आंचल में सबको छुपा लेती है। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि हम अपनी माँ की पूजा करते हैं लेकिन दूसरे की माँ की इज्जत तो करते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा रोल दिया गया है। मैं तो देखिए मैं सब कुछ गाता हूँ, मैं भजन गाता हूँ, गज़ल गाता हूँ, नातिया कलाम गाता हूँ, शब्द गाता हूँ, जैनी स्तवन गाता हूँ, सब कुछ गाता हूँ। तो इसलिए हमारे देश में हर व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हर धर्म को अपना समझे और प्यार करे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और सबक है इस फिल्म में। इस फिल्म का जब आप सुनेंगे नाम कि क्या फिल्म है, तो आप ज़रूर सन्नाटे में आ जाएंगे, इतना ज़बरदस्त इसका टाइटल होने वाला है। हो सकता है मैं अपने आपको रिपीट कराऊं, लेकिन अनूप जी क्या आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा ये किरदार? क्योंकि बहुत मुझे हमने अब तक जितने भी किरदारों में आपको देखा है वो बिल्कुल अलग थे, और मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ज़मीन पे बहुत रियल स्पेस में किरदार होने वाला है। ये किरदार जो है बिल्कुल डिफरेंट है, और ये कोई सिंगर का नहीं है, ये किसी सेंट का नहीं है, ये एक कैरेक्टर है जो अपने बेटे को शिक्षाएँ देता है, संभालता है। जैसे अभी सतसाई बाबा आ रही है, तो सतसाई बाबा ने जो जो किया वो मैंने कॉपी कर दिया, मैंने अपना तो कुछ किया नहीं, लेकिन यहाँ पर एक नया कैरेक्टर मुझे पेश करना है। जिस तरह मैंने पाताल लोक में एक नया कैरेक्टर पेश किया था, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, तो वही चीज़ जो है करण जी अब मुझसे निकालेंगे, मैं एक्टर हूँ नहीं लेकिन निकलवा लेंगे। आशीष दिया के राम के बाद हाउ यू केम ऑन बोर्ड like everybody else. I also came on board because Karan ji wanted me on board, and I think that's about it. I think because unhone kahin na kahin kuch dekha hoga, aur I think the first meeting we had casual si badi ek meeting thi jisme khatm hone ke baad unhone bhi achhi si baat boli, aur I think wahi click kar gayi unko. उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरा किरदार है उसमें, मैं नाम नहीं लूँगा बिना किरदार का ना किसी चीज़ का, कि जो मेरा किरदार है उसमें मुझे उसकी आँखों में एक सच्चाई देखनी है, और जो तुम्हारी आँखों में छलकती है, और आई थिंक वही हमारा कनेक्ट बना, और आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई केम ऑन बोर्ड। अच्छा, एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट की भी अपनी एक समाज, एक अपनी फ़र्क रहती है जब आप किसी किरदार को सुनते हैं या कोई मेकर आपको अप्रोच करता है, व्हाट आर द बेस्ट पार्ट यू लाइक अबाउट द प्रोजेक्ट? यू सेड यस अपार्ट फ्रॉम योर ब्यूटीफुल आईज। नो, मेरी आंखें तो खैर प्रोजेक्ट के लिए हाँ नहीं है, वो तो उनके लिए हाँ है, वो मेरे लिए हाँ नहीं हो सकती, वजह ऐसे मुझे इनकी आंखें पसंद आती। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा आपने कहा कि जो टोटैलिटी में फिल्म है वो स्क्रिप्ट से बढ़कर कहीं है। कुछ कहानियाँ होती हैं जो खाली स्क्रिप्ट नहीं होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जो एक आइडियोलॉजी होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जो समय की ज़रूरत होती है, कुछ कहानियाँ होती हैं जिनके अंदर हमारा समाज और उसकी सोच और समझ निहित होती है। तो कुछ इसी तरह की कहानी है जो कि आज के ज़माने में, आज के हिंदुस्तान को जिसकी बहुत आवश्यकता है,
और जैसा हम आजकल जो भी हमारा सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है हिंदुस्तान का, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम हमारी जो हिंदुस्तानियत है उसको बचा कर रखें. और कैसे बचा सकते हैं, आई थिंक उसके बारे में फिल्म है. और इससे ज़्यादा अभी कुछ कहूँगा तो फिर बहुत मार पड़ने वाली. आशीष, जैसे आपने कहा कि आज का जो हिंदुस्तान है, आज का जो माहौल है जी, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो जी, उस बारे में फिल्म कहती है. इज द फिल्म टॉकिंग अबाउट हार्मनी के बारे में बात करती है, आपसी भाईचारे के बारे में बात करती है, या वो सारे बिंदुओं को दिखाती है जिसकी वजह से सब हालात जो फिलहाल हिंदुस्तान के हैं, इन सभी चीज़ों का समावेश है. सर्वधर्म संभाव, वासुदेव कुटुंबकम, इन सभी का जो है एक समावेश है उसके अंदर. और आई थिंक ना सिर्फ सोशो पॉलिटिकल, बल्कि जो हमारा एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है हमारे हिंदुस्तान का, और वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इस तरह का देश, इस तरह की भूमि दुनिया भर में कहीं नहीं है जहाँ पर इतने सारे जो रिलीजन, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ एक रिलीजन के ऊपर हैं, अभी थोड़े थोड़े आने लगे हैं, बट हिंदुस्तान में हमेशा से इतने सारे धर्म, इतने सारी उनकी अलग अलग धाराएं बही हैं, और उन सभी को समेट कर हम चलते रहे हैं हमेशा से. तो आई थिंक उस एसेंस की कहानी है, और उसे कैसे बरकरार रखा जाए उसकी कहानी. आपके किरदार का नाम जानना चाहूँगा. बता नहीं पाऊँगा, सॉरी. मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूँगा कि ये फिल्म इस बात का जलसा है कि हम इस देश में पैदा हुए. रवि जी, आप क्या कहेंगे आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ? फाइनली टुडे फोर्थ गाना अपने रिकॉर्ड किया था. अनुप जनुटा जी से ये खत्म हुआ. ये दिस इज लाइक ए ट्रेडिशनल सॉन्ग. बहुत अच्छा गाना है. अनुप जी स्टार्टिंग में बोला था ये गाना बहुत अच्छा गाना है, ये फिल्म के लिए थोड़ा डिफरेंट सिचुएशंस में किया था, बट मुझे बहुत अच्छा मौका है बिकॉज इतना अच्छा गाना फिर रिमिक्स करके, दिस इज़ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चांस टू मी. करण जी ने दिया था इतना अच्छा मौका. एंड अभी मैं देख रहा हूँ अपना हीरोज को. बहुत अच्छा लगा. हीरोइन जल्द आने वाली है. और अच्छा मौका भी मिलेगा अभी मुझे देखने के लिए. एंड अपना टीम बहुत फैंटास्टिक टीम है पिक्चर में मिला. एंड पहले गाना भी अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ गाना अनूप जी गाया. इसको कुछ भी बातें नहीं है बोलने के लिए बिकॉज इज ए लाइक ए मी ए गॉड फादर. एंड उसका आवाज़ में अभी सुना ना, अरे बाप रे, दिस इज लाइक ए भगवान. भगवान अपना आगे आके गाया था जस्ट लाइक दैट हिज संग सॉन्ग. एंड ए पिक्चर के लिए, म्यूजिक के लिए बहुत काम किया था. एंड करण जी ऐसा एंकरेज किया है पिक्चर में बहुत काम करने के लिए भी. क्या चाहिए था वो दिया था, दैट इज़ टोटली करण जी को आई हैव टू थैंक्स वंस अगेन. थैंक यू करण जी. एंड मोस्ट वेलकम. एंड लाइक दिस अच्छा है, अच्छा है हुआ है पिक्चर में मेरा लाइनअप. क्योंकि म्यूजिक की बात चल रही है तो मैं बता दूं कि वी हैव सम लिविंग लेजेंड्स इन इट. अनूप जी ऑफ कोर्स कम्स फर्स्ट. दिलेर पाजी, दिलेर मेहंदी साहब ने इस फिल्म में गाना गाया है. मास्टर सलीम बहुत करीब है मेरे दिल के, उन्होंने गाना गाया है. मधुश्री जी जिन्होंने बाहुबली 2 में काना सोजा जरा बड़ा खूबसूरत गाना, दिव्य कुमार है. तो बट आई डेफिनेटली थिंक दैट यू नो अनूप जी और दिलेर पाजी एक ही फिल्म में गाएं, ये बहुत बड़ी मतलब खुशकिस्मती है हमारी. थैंक यू. एक फोटो ले लें यार, वो रास्ते में है. सुन
Yes, I was absolutely thrilled, elated, and when he narrated the subject, it was, it's an ideology, and it's, I can't talk much about it right now, but you can see I'm extremely thrilled about it, so yes, it was wonderful. क्या चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए जब हम आपकी बात करते हैं ज़हन में पार्वती माता है उसको तोड़ना और उस इमेज से बाहर निकलना इज इट अ इंटेंशनल एफर्ट टू डू दिस नो 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 नॉट रियली आई थिंक महादेव वाज ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो नाउ एंड आफ्टर दैट आई हैव डन अ लॉट ऑफ अदर वर्क सो नन ऑफ इट इज इंटेंशनल आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ ट्राई एवरीथिंग दैट्स आउट देयर And in this film, I'm very excited about it because I've got like, there are three changes that happen to this particular character. So it's very rare that you get to place so many shades on screen in your very first film. Yeah. You've spoken about ideology. Yes. Is the film is around ideology or I've spoken to numerous people who are part of this project. They said, yes. Somewhere it gives me a vibes of feel. It also talk about love jihad. I really wish I could speak more about that, but I'll have to be tight-lipped for now. I've been told to do that. So yeah, but I think in a couple more days, in a couple more weeks, in fact, you know, people will get to know a little more about the project. You'll be seen playing, as I've spoken to Ankit, you'll be seen playing Ankit love interest. It also remind me of Kedarnath. Right. What Sara played opposite late Sushant Singh Rajput. Right. Is there a similar role or character? So, yeah, like I said, there's no one person that I'm paired with. There's Ankit and there's Ashish, both. So I'll be paired opposite the two of them. And you'll see how it plays out in the film. Love shift or the ideology shifts? You can say the ideology shifts. Thank you so much. Thank you. Thank you. ID. बस बचपन में माँ बाप ने सुनाया था ओम जय जगदीश हरे मेरा ख्याल है ये पहली आरती है जो कोई भी बच्चा सुनता है यूजुअली कम से कम मैंने तो यही सुनी बड़ी बहुत मन था कि किसी दिन ये मैं अपनी फिल्म में आरती पिक्चराइज करूँ फिर अनूप जलोटा मिल जाए तो फिर ये आरती कौन छोड़ता है तो आज अनूप जी ने ये आरती गाई है ओम जय जगदीश हरे लेकिन क्योंकि ये फिल्म है तो हमने अपने अंदाज में इसे रिकॉर्ड किया कास्टिंग हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस फिल्म की कास्टिंग किस बिना पे करी है और कौन कास्ट होने वाली है देखिए मैं एक बात आज देख रहा हूँ मैंने कुछ 200-300 लोगों का स्क्रीन टेस्ट लिया है ठीक है हर स्क्रीन टेस्ट ऐसा स्क्रीन टेस्ट है कि लगता है कि कितने प्रोफेशनल हो गए हैं एक्टर्स तलफ्फुज बहुत सही कहाँ पॉज लेना है कहाँ आवाज को ऊंचा करना है नीचा करना है तो मतलब मैं ये सुभाष घई साहब से भी बात कर रहा था मैंने कहा कि सुभाष जी कमाल हो गया है आजकल आप ये देखेंगे जब स्क्रीन टेस्ट तो आपको लगेगा जो सेल्फ टेस्ट भी करके भेजते हैं वो भी कमाल का उसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे पकड़ में आया कि टेलीविजन जो आया है इतने बड़े पैमाने पे वेब सीरीज जो आई है इतने बड़े पैमाने पे तो ये टेलीविजन ने जो है ना इनको बड़ा प्रोफेशनल कर दिया है तो मेरे जो ज्यादातर रोल्स हैं बड़े मुश्किल रोल्स हैं
आपने तो देखा होगा अजय देवगन दिलवाले दिलजले में बड़े मुश्किल रोल अदा कर चुके हैं, तो ऐसे मतलब जो लिखाई हो जाती है मेरी उस वक्त तो सोचता नहीं हूँ, लेकिन बाद में लगता है कि बड़े मुश्किल रोल्स हैं। मैंने इस बार इसलिए तय किया कि मैं टेलीविजन के ये एक्टर्स को कास्ट करूँगा, तो मेरे जो तीनों मेन रोल्स हैं, फिर चाहे वो अनूप जी भी हों, फिर चाहे वो दीपिका चिकालिया जी हों, वो सारे के सारे बेसिकली टेलीविजन से हैं। एंड टेलीविजन इज अ ग्रेट फोर्स। तीन लीड किरदार उनका बता, थोड़ा डिटेल बताएंगे आप, वो क्या उनका बैकग्राउंड रहा है टीवी के माध्यम से। आशीष शर्मा जो मेरे हीरो हैं, उन्हें तारुफ की तो जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने सिया के राम में राम गरोल प्ले किया, रंग रसिया में रंग रसिया थे वो, और फिर पृथ्वी वल्लभ में मेन रोल प्ले किया। उसके बाद उन्होंने इरोस के लिए एक मोदी पे जो हमारे पीएम साहब पे जो सीरीज आई उसमें यंग मोदी का रोल अदा किया। एक एपिसोड मैंने देखा, उन्होंने मुझे दिखाया। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, लेकिन मैं दंग रह गया, आई वॉज फ्लोर्ड। फिर हम आते हैं सुनारी का बदोरिया पे, जो मेरी हीरोइन है, उन्होंने पार्वती प्ले किया है, पार्वती माँ का रोल प्ले किया है देवों के देव महादेव में, और पृथ्वी वल्लभ में भी वो हीरोइन थी। उनकी घुड़सवारी देखी, उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनकी तलवारबाजी देखी। आई मीन ये मेरी पत्नी ने मुझे कहा, जब मैंने उसे कहा कि मैं दंग रह गया हूँ आज के एक्टर्स को टेलीविजन के देख के, तो उसने कहा तुम्हें कभी इतना मैंने इम्प्रेस होते नहीं देखा है। तो ये दोनों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। मेरे दूसरे हीरो हैं अंकित राज, उन्होंने भी टेलीविजन में अपना खूब सिक्का जमाया हुआ है और वेब सीरीज भी की हैं। सो आई दीज आर माई थ्री मेन पिलर्स। एंड ऑफकोर्स अनूप जलोटा जी, इसमें एक भजन सिंगर एक पुजारी प्ले कर रहे हैं, हीरो के पिता प्ले कर रहे हैं, और दीपिका मैम दीपिका चिकालिया जी वो प्ले कर रही हैं, उन्होंने तो सीता प्ले किया रामायण में, वो गुरु माँ का रोल अदा कर रही हैं। दिस इज माय फोर्स। व्हेन यू आर टेकिंग द फिल्म ऑन द फ्लोर, 15 फरवरी इस फिल्म को हम फ्लोर पे ले जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम साहब हैं त्रिवेंद्र सिंह जी, वो इसकी मुहूर्त क्लैप दे रहे हैं, उनके बंगले में मुहूर्त है। उस दिन इस फिल्म का टाइटल अनाउंस होगा और आप सबके चेहरे और सबके रूप देख पाएंगे।